हेलो स्टूडेंट्स बेटा, इन आवर प्रीवियस वीडियो ऑफ 7.7 चैप्टर फ्रैक्शनल नंबर वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 3rd. सो फ्रॉम टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन 4. राइट द न्यूमरेटर n एंड डिनोमिनेटर d फॉर ईच फ्रैक्शन. मीन्स फोर्थ क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है कि आपको जो है न्यूमरेटर किसको बोलना है और डिनोमिनेटर कौन सा होता है. ठीक है बेटा, तो आपने जो है पूरा वर्ड स्पेलिंग आप लर्न कीजिए अच्छे से. व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ न्यूमरेटर? एन यू एम ई आर ए टी ओ आर. एंड द स्पेलिंग ऑफ डिनोमिनेटर? डी ई एन ओ एम आई एन ए टी ओ आर, डिनोमिनेटर. इनकी स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, पर इन क्वेश्चंस में स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे न्यूमरेटर को आप कैपिटल एन से करेंगे डिफाइन और डिनोमिनेटर को कैपिटल डी से. इन सभी पार्ट्स में देयर आर 10 पार्ट्स, सो इन सभी पार्ट्स में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है. न्यूमरेटर किसको बोलते हैं आप? जो फ्रैक्शन के अंदर अपर साइड पे हो. और डिनोमिनेटर किसको बोलेंगे? जो आपके डाउन साइड पे जो नंबर हो. ठीक है बेटा, सो यहाँ आपका जो n मीन्स न्यूमरेटर हो जाएगा 4 और जो दैट इज डिनोमिनेटर इक्वल टू 11. d4 ऐसे एक को याद रख लो अच्छे से. d4 डाउन, d4 डिनोमिनेटर. मीन्स डिनोमिनेटर कहाँ है? डाउन वाला. डाउन में क्या है? 11 है इस क्वेश्चन में. क्लियर है? सेकेंड पार्ट पे आ जाइए. न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा? 7. और डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा? 8. सो इजी क्वेश्चंस. टेंथ पार्ट में न्यूमरेटर इक्वल टू 5 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 14. क्लियर है बेटा?